नमस्ते दोस्तों जी, मेरा नाम है आकाश उत्तरा सर और आप सभी को मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही नया मेरा YouTube चैनल है ये, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो कि मैं इस चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत ऐसे यंग बच्चे हो सकते हैं या फिर और भी जो लोग हैं जो लोग YouTube सर्फिंग करते रहते हैं, तो मैं उनको उनके साथ मैं अपना लाइफस्टाइल या फिर जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है या जो अच्छे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। सो थ्रू दिस चैनल मैं आप लोगों को अपना व्यूज़ है, ओपिनियन जो भी होगा मैं शेयर करूँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आप वो जो घंटा होता है उसको प्लीज़ उस घंटे को भी आप दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका टॉपिक है IBPS PO वैकेंसीज ऑफ 2020। सो दोस्तों, कल रात को मुझे ये खबर मिला कि IBPS ने वैकेंसीज निकाले हैं। करीब मेरे पास ये डेटा है, कुछ 1167 मतलब 1167 पोस्ट के लिए डेटा निकाले हैं, पोस्ट निकाला है। तो अभी यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग कुछ लोग शायद 5-6 साल से कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला, या फिर कुछ नए बच्चे भी अभी ऐड हो गए होंगे जो पिछले 6-7 महीने से कर रहे होंगे या 1-1.5 साल से। सो पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या काम करता हूँ, किधर रहता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह प्रिपरेशन मैंने किया और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऊपर वाले के कृपा से मैं भी नौकरी में हूँ। एंड आई एम एन असिस्टेंट मैनेजर इन कैनरा बैंक और अभी मेरा पोस्टिंग है बर्धवान इन वेस्ट बंगाल और मेरा नेटिव प्लेस है गुवाहाटी असम। और मुझे अभी 1 साल हो गया है इस नौकरी को करते हुए। सो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली अभी मैंने बैंक ज्वाइन किया है, 1 ही साल हुआ है और बैंक का भी हाल फिलहाल में जो भी सिनारियो है वो क्या है, परिस्थितियाँ कैसी है, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत उसमें इंसाइट मिलेगा मेरे इस वीडियो के थ्रू। सो आइए चलते हैं। देखिए, इस जो कि नोटिफिकेशन में जो पोस्ट जो वैकेंसीज आई है उसमें से 5 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो वैकेंसीज है वो डिक्लेयर नहीं किया है। और उन 5ों में से आप देखिएगा जो 4 बैंक है, एक हो गया कैनरा बैंक, एक हो गया इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 बैंक ऐसे हैं जिनका मर्जर हुआ है किसी मतलब जिन्होंने किसी और को अपने। तो मैं अपने बैंक के बारे में कुछ बता देता हूँ। जो आपने जो वैकेंसीज देखी है, जो 1167 वैकेंसीज है, ये फॉर 110% श्योर वैकेंसीज भरने वाली है गाइस। सो आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन डूइंग यू नो हार्ड वर्क, और जो भी जैसे भी आप प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो आप करते रहो, क्योंकि पिछले ही साल कुछ लोग रिटायर्ड हुए हैं और मर्जर के टाइम पे बहुत ऐसे लोग हों मैंने है जिन्होंने VRS ले लिया है, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो कि नेक्स्ट ईयर जिनका रिटायरमेंट है, अप्रैल में रिटायरमेंट है, अप्रैल के लास्ट तक एंड तक जिनका रिटायरमेंट हो जाएगा। सो बैंक अभी IBPS को, ये जितने भी बैंक है जो मर्ज हो गया है किसी और बैंक के साथ, तो उनको अभी भी एक ओवरऑल जो पिक्चर होता है ना कि कितना एम्प्लॉयज़ अभी होंगे नेक्स्ट ईयर मार्च के एंड तक, कितने और चाहिए, तो ये पूरा पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, जब मर्ज होता है कोई भी एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ तो बहुत इसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ होता है जो हमें बाहर बैठ के पता नहीं चलता है। मैं अपने ही बैंक के केस में भी बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिटायरमेंट होने वाला है नेक्स्ट ईयर और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग VRS लेने वाले हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। सो जैसे ही ये सारे लोग निकल जाएंगे बैंक से, वैसे ही एक एक पोस्ट खाली हो जाएगा, फिर उनको फिल करने के लिए जो नीचे से जो लोग हैं उनको फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे वाले पोस्ट खाली होंगे तो वो कहाँ से आएगा, वो ऑब्वियसली उनको फिर रिक्रूट करना पड़ेगा। सो इसीलिए आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए। बैंक, ये जितने भी बैंक है, ये 5 बैंक है लगभग, मान लीजिए 5 बैंक में आप लोगों के लिए लगभग 1000 से लेकर 1500 तक प्लस अभी जितना वैकेंसी इन्होंने बताया, बाय दी एंड जब आप लोगों का सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब खत्म हो जाएगा, पोस्ट बढ़ेंगे बिल्कुल बढ़। वो बस एक सीट के लिए फ़ाइट करना है, इतना सोचो, एक सीट के लिए फ़ाइट करो। आप लोग 1100 1200 1300 ये सब मत सोचो। मैं भी एक टाइम पे आपकी तरफ प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने स्क्रैच से शुरू किया, मेरा जो दिमाग है ना ये बिल्कुल मैंने क्या बताऊँ, मैं कोई इंटेलिजेंट बंदा भी नहीं हूँ कि बहुत हाई फाई बहुत इंटेलिजेंट बंदा हो, ऐसा भी नहीं है। बस मैंने हार्डवर्क किया, 1.5 साल मैंने हार्डवर्क किया और मुझे नौकरी लग गई मेरी। आप लोग भी कर सकते हो, बस हार्डवर्क करते रहो और अपने ऊपर बिलीव रखो, बस अपने
अपने ऊपर बिलीफ रखो, हार्डवर्क रखो, हार्डवर्क करो, भगवान को थोड़ा बहुत पूजा पूजा करो, आपका नौकरी लग जाएगा। सो यही था आप लोगों के लिए, मैं यही न्यूज़ लाने वाला था कि जो पोस्ट है वो बढ़ेंगे, वो बिल्कुल बढ़ेंगे। सो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो वैसा कंटिन्यू रखो और ज़्यादा सोचना नहीं है गाइस। बस आपको जो एक ही पोस्ट आपको चाहिए, बस उस एक पोस्ट के लिए आप पढ़ाई करो। बहुत लाखों बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे होंगे अभी, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हैं कि यार कितने सारे बच्चे हैं जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ 1100 पोस्ट निकला, ये कैसे होगा, किसको नौकरी मिलेगी, क्या होगा। अरे आपको किसी और के बारे में सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप भूल जाओ। अगर आपके साथ कोई आपका दोस्त भी है प्रिपेयर कर रहा है वो भी भूल जाओ, वो भी अपना ही सोच रहा है, आप अपना ही सोचो बस भाई। ये कंपटीशन है, ये 3 इडियट्स में एक डायलॉग दिया था ना कि लाइफ इज़ अ रेस, अगर आप तेज़ नहीं भागोगे तो कोई आपको चल के आगे निकल जाएगा। सो वही आप याद रखो कि लाइफ ये एक रेस है, आप एक रेस में हो, आपको 1,000,000 लोगों को पीछे छोड़ के आपको आगे जाना है, बस आप वो सोचो, प्रिपरेशन करते रहो। जाने से पहले मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, हालांकि ये कोई प्रोमो, मैं किसी का कोई प्रोमो नहीं कर रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया भी नहीं है, बट ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने भी ये फॉलो किया था। दो लोगों को आप फॉलो ज़रूर कर सकते हो। जब मेरे टाइम में मुझे लगा था कि ये दो चैनल्स है जो कि बहुत जेन्युइन था, एक तो है स्टडी आई क्यू, जो पहले तो उसका यूट्यूब में वो लोग वीडियोस छोड़ते थे, अभी उसका तो सब कुछ पेड सब्सक्रिप्शन हो गया है। हालांकि अभी सब कुछ ही पेड हो गया है, फिर भी कुछ कुछ है, कुछ कुछ वीडियोस जो यूट्यूब में छोड़ते हैं, बट मैक्सिमम अभी पेड हो गया है। सो आप स्टडी आई क्यू फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। आपको मैं जैसे कि मीडियो का स्टूडेंट हूँ, मैं ना हाई हूँ ना ज़्यादा लो हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या करा था कि स्टडी आई क्यू चैनल को मैंने फॉलो किया, 1 साल तक मैंने उसके वीडियोस देखे और सर जैसे बताते थे मैं सब कुछ नोट डाउन करते रहता था, पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल के फिर मैं वो देखता रहता था और उसको रिवाइज़ करते रहता था। सो ऐसे करते करते मुझे इतने सारे कंट्रीज़ के कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट याद हो गए थे एक टाइम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं चलता फिरता एक किताब हूँ, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि एग्ज़ाम हॉल में मुझे पता था कि मैं एटलीस्ट 30-31-32 तो मैं स्कोर कर ही लूँ। और सेकेंडली जो मुझे जेन्युइन लगा वो है अंकुश लांबा भाई, जो है उनका जो चैनल है, मुझे सच में वो बंदा बहुत जेन्युइन लगा। जेन्युइन इसीलिए क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो वो भी प्रिपरेशन में ही थे, फिर उनको नौकरी लगी RRB में, वो शायद RRBPO में वो उनको नौकरी लगी थी, वो एक साल नौकरी उन्होंने शायद एक साल या कुछ महीने उन्होंने नौकरी किया, फिर जो भी रीज़न है इन्होंने छोड़ दिया। अभी उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप लोग अनअकैडमी में भी उनको देखते हो। सो हाँ, अंकुश भैया को मैं फॉलो करता था, मुझे अच्छा लगता था उनका जो भी पैटर्न था, जो तरीका होता था सिखाने का, रीजनिंग करवाने का जो तरीका होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो करके। रीजनिंग में मैं उनको सच में उन्हीं को मैं क्रेडिट दूंगा कि प्रीलिम्स में मेरा कभी भी 30 के ऊपर मार्क्स नहीं आता था, बट उनके कारण मेरे ऐसे बहुत सारे जो क्या बोलते एरियाज़ में मुझे मार्क्स ज़्यादा मिला और स्पीड भी बहुत बढ़ी मेरी, एक्यूरेसी भी अच्छा हुआ था। सो उनका जो भी तरीका था, जिस तरीके से वो गाइड करते थे, वो अच्छा लगा। सो गाइस, ये दोनों चैनल आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं, सबको किसी को या तो टैंकर सड्डा पसंद है, किसी को महिंद्रा पसंद हो सकता है, किसी को और कुछ चैनल पसंद हो सकता है, वो कर सकते हो आपकी। तो मैं आप लोगों से अभी अलविदा कहना चाहता हूँ, बस यही था। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है तो ज़रूर इसको देखिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक रिलेटेड ही नहीं, बस मेरा ये क्योंकि नया एक चैनल है तो मैं इसमें और भी बहुत कुछ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगा। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, प्लीज़ उसको थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।